गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखें बेटा आपका 9 लेसन में आपको पढ़ा रहा था ए वॉक थ्रू द फायर। 9th लेसन के 5th पैसेज तक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज इस वीडियो में आपका 6th पैसेज है। देखें, शुरुआत करते हैं पैसेज नंबर 6। अदर फेस फॉलोड, अन्य कारनामे भी, बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वॉज एन अनफॉरगेटेबल। परंतु प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट, जो अंतिम ये कारनामा था, ये अविस्मरणीय था। एंड बिफोर ही परफॉर्म इट, और इससे पहले कि वह इसका प्रदर्शन करे, द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड कि कल्याण अधिकारी ने यह घोषणा कर दी कि ऑन हिज इंस्टेंस, उसके जोर देने पर द प्रोफेसर हैड साइन, प्रोफेसर ने साइन कर दिए एक डॉक्यूमेंट्स पर, टू बी इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपेंड टू हिम। उसने एक दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किए, उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ एनीथिंग हैपेंड टू हिम, कि यदि उसके साथ कुछ हो जाए तो द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसमें ये लिखा हुआ था यदि इसको इस कारनामे करते समय यदि कुछ घटना घट जाती है तो इसके लिए जो ब्रिटिश सेना है यह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। इसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर करवा दिए थे। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, और केवल इन्हीं शर्तों पर, दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट। इन्हीं शर्तों पर प्रोफेसर को यह अंतिम कर्तव्य करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट लाइन से देखें बेटा, देखिए, ए 5-ton आर्मी ट्रक वाज वैन ड्राइवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल फॉर्म बाय द ऑडियंस। देखिए कि ऑडियंस दर्शक, फिर दर्शकों द्वारा फॉर्म बनाए गए, सर्किल गोला, दर्शकों द्वारा बनाए गए गोले के केंद्र में, सेंटर केंद्र, दर्शकों द्वारा बनाए गए गोले के केंद्र में एक 5-ton का सेना का एक ट्रक लाया गया। 5-ton आर्मी ट्रक, 5-ton का एक सेना का ट्रक लाया गया जहां पर दर्शकों ने एक सर्किल बनाया हुआ था। देखें, विच वाज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, यह गोला ही प्रोफेसर का मंच था। विच वाज द ओनली स्टेज मंच, जो कि प्रोफेसर का एक मंच था जिसे वह प्रयोग किया करता था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक सो दैट हिज चेस्ट वाज इन लाइन विद वन ऑफ द रेयर व्हील्स। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वह ट्रक के नीचे लेट गया, सो दैट, ताकि हिज चेस्ट वाज इन लाइन, ताकि उसकी छाती लाइन में आ सके, वन ऑफ द रेयर व्हील्स, उसके पिछले पहियों की सिद्ध में। वह इस प्रकार लेट गया ताकि ट्रक के जो पिछले पहिए थे उनके पिछले पहिए की सिद्ध में ही वह उसकी छाती आ जाए। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वाज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट, और उसकी छाती के साथ, उसके छाती के साथ एक पुराना रेलवे का एक फट्टा लगा दिया गया। टू फॉर्म ए क्रूड रैंप, रैंप ऑफ ढलान, एक ढलान बनाने के लिए, ऑन विच जिसके ऊपर द ट्रक कुड बी ड्राइवन, और जिसके ऊपर ट्रक चढ़ने में आराम से चढ़ जाए। अर्थात जैसे वो लेटा तो लेटने के बाद उसके बगल में, छाती के बगल में एक इस प्रकार फट्टा लगा दिया गया ताकि ढलान सा बन जाए, और ट्रक को जब इसके ऊपर चढ़ाया जाए तो बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर चढ़ जाए। आगे देखें, द ट्रक वाज देन ड्राइवन क्विकली, और इसके बाद फिर ट्रक को बड़ी तेज़ी से आगे लाया गया, क्विकली तेज़ी से फॉरवर्ड आगे की तरफ, और फिर बड़ी तेज़ी के साथ ट्रक को आगे लाया गया, सो दैट, ताकि
द रेयर व्हील से वेंट अप द रेलवे स्लीपर, ताकि पिछले पहिए फट्टे की लिढ़ान पर चढ़कर रेयर व्हील पिछले पहिए वेंट अप द रेलवे स्लीपर, रेलवे के उन्हें तख्तों पर चढ़ कर के एंड एक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर की छाती को पार कर जाए। मतलब इतनी तेज़ी से गाड़ी को उछलाया गया ताकि एकदम तेज़ी से गाड़ी चढ़े, उसका पिछला पहिया फट्टे के ढलान पर चढ़ कर के प्रोफेसर की छाती के पार उतर जाए। एज सिंपल एंड एज क्रूड एक्ट एज दैट, उसे बताया कि यह सब इतना सरल और इतना सामान्य कार्य था। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज इंसिडेंटली और कंटेन एज मैनी एज मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इन इट, और ट्रक के पीछे द बैक ऑफ द ट्रक और ट्रक के पीछे इंसिडेंटली कंटेन भर दिए गए इंसिडेंटली संयोगवश एज मैनी जितने अधिक मैन एज कुड पॉसिबली जितने संभव हो सकते थे क्राउड इन टू इट इसके अंदर। और इसमें बताया कि ट्रक के पीछे जितने सिपाही उसके अंदर बैठ सकते थे उतने सिपाही उसके अंदर बैठ गए या उसके अंदर चले गए। तो बेटा ये आपका पैसेज नंबर 6 था। अब देखें पैसेज नंबर 7। देखिए पैसेज नंबर 7। देयर वाज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर, देर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ एक दूसरा भारतीय था। एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रोंगमैन एक्ट बट स्पेंट द एंटायर टाइम डिगिंग ए सैलो ट्रेंच अबाउट 10 feet लॉन्ग एंड 2 or 3 feet वाइड। उसने कहा कि उसके साथ एक और भारतीय भी था। एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट, और जिसने उसकी टुकड़ी में कोई भाग नहीं लिया इन द स्ट्रोंग मैन एक्ट, इस शक्तिशाली कारनामे में उसने कोई भाग नहीं लिया बट स्पेंट द एंटायर टाइम, परंतु उसने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया डिगिंग द सैलो ट्रेंच, एक गुफा खोदे खाई खोदने में उसने अपना पूरा समय एक खाई खोदने में ही लगा दिया। अबाउट 10 feet लॉन्ग, जो कि 10 feet लंबी थी, एंड 2 or 3 feet वाइड, और जो कि 2 या 3 feet चौड़ी थी, सैलो उल्टी हुई थी। अर्थात उसने अपना पूरा समय एक 10 feet लंबी और 2 या 3 feet चौड़ी खाई को खोदने में लगा। आगे देखें, बाय द टाइम, उस समय तक द प्रोफेसर, By the time the professor had finished his act, जब तक प्रोफेसर ने अपना काम समाप्त किया, this trench had been filled with red hot coals from the cook house. उसने बताया कि जब प्रोफेसर ने अपना काम समाप्त कर लिया तो this trench, इस खाई को had been filled, भर दिया गया with red hot, लाल गर्म कोयलों से, फ्रॉम द कुक हाउस, रसोई से। उसने बताया कि रसोई से लाए गए गरम गरम लाल जो कोयले थे उन कोयलों से इस खाई को भर दिया गया। आगे देखें, देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच, उसने बताया कि इसमें जो ये लाल लाल गरम उसमें कोयले भर लिए गए थे इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं थी। देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर, नो फनी बिजनेस, कोई मजाक की बात नहीं, इसलिए देयर वॉज नो फनी बिजनेस, कोई मजाक की बात नहीं थी अबाउट दिस फायर ट्रेंच, इस आग से भरी हुई खाई के बारे में। आइदर वी, देखिए, आइदर वी गैदर्ड अराउंड इट एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंस्टेंट, इसमें बताया कि आइदर वी गैदर्ड अराउंड इट, वी हम गैदर्ड इकट्ठे हो गए अराउंड इट, इसके चारों ओर, और हम इसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। द हिट फ्रॉम इट इंटेंस, द हिट गर्मी, इसकी जो हिट थी
वो गर्मी थी वो बहुत ही तेज थी, तीव्र थी, इंटेंस होता तीव्र, जो कोयलों से भरी हुई खाई थी उसके अंदर जो कोयले, गर्म लाल कोयले भरे हुए थे, इनसे जो गर्मी निकल रही थी वह बहुत अधिक तेज थी। दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच। दिस इंडियन, यह भारतीय, रेदर एन एल्डरली जो कि थोड़ा बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, देन स्टूड खड़ा हुआ है एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, यह खाई के एक किनारे के ऊपर खड़ा हो गया। देखिए, यह खाई के एक किनारे पर खड़ा हो गया। आगे देखें, देन तब स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच और स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज बेयर फीट। और उसने बताया कि वहाँ खड़े होने के बाद स्प्लैश्ड वाटर यानी पानी उसके ऊपर छिड़का फ्रॉम ए नियर बाई बकेट, उसके पास रखी हुई एक बाल्टी में से उसने पानी को छिड़का ओवर हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों पर। उसने पास में रखी हुई एक बाल्टी से अपने नंगे पैरों पर पानी को छिड़का या पानी डाला एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच। और इसके बाद लाल कोयलों से भरी हुई इस खाई की पूरी लंबाई पर चलने के लिए वह आगे बढ़ता है। देन तब प्रोसीड, आगे बढ़ता है टू वॉक, चलने के लिए, ओवर द रेड हॉट कोयल्स, इन लाल गर्म कोयलों से भरी हुई इसे पूरी लंबी खाई में, ट्रेंच खाई में, हुल लेंथ, पूरी लंबाई में वह आगे चलने के लिए बढ़ता है। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टर। देखिए, उसने बताया कि यह एक अविश्वसनीय दृश्य था, यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी दैट द लो फ्लेम फ्रॉम द रेड हॉट कोल से लीकिंग अराउंड हिज बेयर फीट एज ही स्लो वॉक्ड ऑन टू एंड ऑन एज ही स्लोली वॉक्ड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच। उसने बताया कि देखिए, जैसे ही हम देख रहे थे, हमें देख रहे थे, वी कुड सी, हम देख सकते थे द लो फ्लेम फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स। लो फ्लेम, हल्की हल्की या थोड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी आग की लपटें। हम देख रहे थे कि लाल गर्म कोयलों से निकलने वाली जो हल्की हल्की जो लपटें थी वह उसके पैरों पर चिपटती थी, उसके पैरों के चारों ओर चिपटती थी, अर्थात लग रही थी। एज ही स्लोली वॉक, जैसे ही वह धीरे धीरे खाई के अंत तक पहुंच रहा था, जैसे ही वह धीरे धीरे चलता हुआ उसे खाई के दूसरे किनारे पर पहुंच रहा था, तो जो गर्म कोयलों की जो धीरे धीरे निकलने वाली लपटें थी आग की, वो उसके पैरों को चिपट रही थी, उनके पैरों को लग रही थी। तो बेटा, आज का वीडियो आपका यहीं तक है, इससे आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू बेटा।